मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए आज आरवीएचएस समन्वय समिति व आसरा फाउंडेशन के साथ साथ जीबीएम दिव्यांग सेवार्थ के तत्वाधान से आज फल बिस्किट व छाछ का किया गया वितरण। उधर समन्वय समिति अध्यक्ष सत्येंद्र चौधरी ने बताया कि अस्पताल में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के मरीज। तकरीबन 250 से 300 पेशेंट हैं वर्तमान में, जिनमें पॉजिटिव 60 से 65 हैं और सस्पेक्टेड हैं 150 से 155। ऐसे में देखने की बात यह है कि इतनी तादाद में अगर पेशेंट रहते हैं तो अस्पताल की लॉबी, पार्किंग और वार्डों को सैनिटाइज करने का जिम्मा कौन ले। इसी कड़ी में इसको देखते हुए अध्यक्ष ने उठाया बीड़ा और अपनी टीम को लेकर चल पड़े सैनिटाइजर करने। आज पूरे कैंपस को किया गया सैनिटाइज। उधर आसरा फाउंडेशन और जीबीएम दिव्यांग सेवार्थ के संयुक्त तत्वाधान में सभी मरीजों को छाछ, बिस्किट और फल वितरित किए गए, जो कि एक सराहनीय कार्य है। सभी भामाशाह पूरी तरह एसएमएस में जा रहे हैं। ऐसे में 20 से 25 किलोमीटर दूर आरयूएचएस में कोई भी भामाशाह नहीं पहुंच पा रहे हैं। उस कड़ी में अगर आसरा और जीबीएम द्वारा ये कार्य किया जा रहा है तो बहुत ही सराहनीय है। आरयूएचएस कर्मचारी संघ से सत्येंद्र चौधरी। आज हमारे कर्मचारी संघ ने पूरे हॉस्पिटल को सैनिटाइज का काम किया, जिसका सैनिटाइजेशन पूरा कर्मचारियों के द्वारा किया गया, जो पिछले 5-4 दिन से रेगुलर किया जा रहा था सुधांशु कक्कड़ साहब की उपस्थिति में। साथ ही कर्मचारी और अधिकारी हमारे रात दिन मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं और अच्छी सेवा। मैं अजय कुमार अटल, फार्मासिस्ट आरयूएचएस हॉस्पिटल, सचिव जीबीएम दिव्यांग सेवा समिति की तरफ से कार्य कर रहा हूँ। आज हम लोगों ने जीबीएम दिव्यांग सेवा समिति की तरफ से आरयूएचएस हॉस्पिटल में 150 मरीजों के लिए फलों का वितरण किया गया है। इसके अलावा हम 26 तारीख से रोजाना 150 लोगों को खाना खिला रहे हैं और 25 से 30 परिवारों को राशन का सामान उपलब्ध करवा रहे हैं। नाम आरयूएचएस कर्मचारी। आज आरयूएचएस कर्मचारी यूनियन संघ द्वारा हमारी हॉस्पिटल आरयूएचएस में पूरी हॉस्पिटल में सैनिटाइज करवाया गया, जिससे कि जो भी कोरोना से संक्रमित मरीज है उनसे बचाव किया जा सके, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। धन्यवाद। आरयूएचएस हॉस्पिटल से और हमें आज अल नसरा फाउंडेशन से डॉक्टर नीलोफर द्वारा फल और अन्य ज़रूरत के सामान, जो कोरोना संक्रमित पेशेंट है हमारे यहाँ पे और जो क्वारंटाइन में रखे गए हैं पेशेंट्स, उनकी मदद के लिए वितरित किए गए। और आज हम राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में प्रताप नगर पे पहुँचे हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं देखी, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर कोरोना के मरीजों के लिए हैं और स्टाफ भी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है सभी का। स्टाफ पूरे अपने पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है सभी को, तथा जिस प्रकार से प्रिंसिपल साहब से भी हमने बात की, प्रिंसिपल साहब ने भी कहा कि हम हमारे प्रयास पूरे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी परेशानी आ रही है मरीजों को तो उनकी सभी चीज़ों की पूर्ति हम यहाँ पर कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर आरयूएचएस में यहाँ पर अभी हम हैं यहाँ पर और दानदाता लगातार अपना सहयोग कर रहे हैं। मैं ललित भारद्वाज, ई न्यूज़, जयपुर।